विपक्ष की ओर से की जा रही आलोचनाओं पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास परियोजनाओं को चुनावी रणनीति बताने वालों को पिछले 15 दिनों का हिसाब देना चाहिए। पिछले 15 दिनों में हमने 2 IIT, 1 IIT और 3 IIM, 1 IAS और 5 एम्स का उद्घाटन किया। हमने पिछले 15 दिनों में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्किल का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की ओर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक दिन पहले पटना में आयोजित रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार हैं। देश का हर गरीब मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। विपक्षी दलों की ओर से पीएम मोदी के परिवार को लेकर किए गए हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में अखंड डूबे एनडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब उन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कल ये ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हें कभी जेल की सजा नहीं हुई, इसलिए तुम राजनीति में भी नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन खुली किताब जैसा है, मुझे देशवासी भलीभांति जानते हैं, समझते हैं, मेरी पल पल की खबर देश रखता है। कभी जब मैं देर रात तक काम करता हूं और खबर बाहर निकल आती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, इतना काम मत करिए, कुछ आराम भी करिए। उन्होंने कहा कि मेरा भारत, मेरा परिवार, इन्हीं भावनाओं का विस्तार लेकर मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं, मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए। वहीं देश को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या यह विकास का उत्सव नहीं है, क्या यह कल्याण का उत्सव नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।